देख लो ये 2014 के बाद ये कपड़े पहने हैं, ये देखो हम जो पहने हैं ना, ये हम आदि मानव थे, जंगल में थे, जंगल में। ये देखो ये मेरी दाढ़ी थी ना, इतनी बड़ी दाढ़ी थी। मोदी जी के कहने पे कोई अच्छे दिन नहीं है। मोदी जी का कहना है हर घर झंडा, आदमी ऊपर से फूकर नीचे से नंगा। आज ABM खत्म करवा दो घंटे में सरकार खत्म, गिनती होने से पहले। मोदी की सरकार बन जाए तो गड़बड़ हो जाए, केजरीवाल की बन गई तो वो अच्छा, ईवीएम भी अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। ताली बजाओ, दिए जलाओ, उससे क्या कोरोना भाग गया था? लाशें रोड पे से उखाड़नी पड़ती, ये मोदी जी का शुक्र मनाओ जो आज बच गए। जब इलेक्शन आते हैं, जब कोरोना आता है। अरे मंदिर पता ना कितनी है इनकम, बता दीजिए अभी यार कितनी है? 32-64। दही पे भी टैक्स, छाछ पे भी टैक्स, हर चीज पे टैक्स। टाइम बहुत बुरा हाल है, रोटी के पैसे नहीं है गरीब आदमी के पास। महंगाई से परेशान है, देखिए कितना ज्यादा। ये परेशान होंगे, हम तो बहुत खुश हैं मोदी जी के राज में। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पे स्वागत करती हूँ। बता दूं कि इस वक्त मैं सीलमपुर में मौजूद हूँ। सरकार जहाँ बार बार दावे कर रही है कि लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं, महंगाई की मार खत्म हो चुकी है, तो वही दूसरी तरफ जनता के कितने अच्छे दिन आए हैं, चलिए जमीनी स्तर पर पता करते हैं। आज से हम ऐसे कई सारे एपिसोड लाएंगे। क्या नाम है आपका? जी कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं पे शिवबिहार जमुना पार। पार के रहने वाले हैं, बताइए जरा महंगाई से परेशान है या नहीं? जी वो तो पूरा भारत ही परेशान है, हम अकेले परेशान थोड़ी ना है, पूरा भारत ही इसमें तो परेशान है। पेट्रोल डीजल CNG कहाँ चली गई है? हम ड्राइवर आदमी हैं, जब इतनी महंगी CNG भराएंगे तो खाएंगे क्या? सरकार कह रही है दोगुनी हो गई है आप लोगों की। कहाँ कहाँ दोगुनी हो गई है भैया? है कोई 5,000 ड्राइवर कमा रहा है क्या? कोई ऑटो में 2014 से तो दोगुनी हो गई है ना, तो CNG तो 3 गुनी हो गई है। CNG नहीं देख रही सरकार, 39 से 80 रुपए हो गई है CNG, तो डबल हो गई नहीं हो गई? आज अगर 700 से 800 कमाने लग गए तो क्या दिक्कत है? पहले 500 रुपए कमाए थे, 600 कमाने लग गए, और उसमें सारी टूट फूट इतनी होती है, दुनिया भर की गाड़ी में सवारी बैठती नहीं ठंड में एक भी। लोग तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं अब मोदी जी के आने से। अब भैया लोग बहुत सारे खड़े हैं, इनसे भी पूछ रहे हो अच्छे दिन आ गए तो ये नहीं पता होगा अच्छे दिन आ गए या नहीं। अच्छे दिन बहुत बढ़िया, सारे अच्छे दिन है। अच्छे दिन है क्या? अच्छे दिन है, ये तो कितना परेशान है महंगाई। नहीं तो हमारे लिए तो अच्छे दिन है, रक्षा चला रहे हैं, अपने खा कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ऐश कर रहे हैं और क्या? बताइए क्या अच्छे काम किए मोदी जी ने? मोदी जी तो अच्छे काम कर रहे हैं, बुरा काम करी कर रहे हैं। महंगाई से परेशान है, देखिए कितना ज्यादा। ये परेशान होंगे, हम तो बहुत खुश हैं मोदी जी के राज में, बहुत खुश हैं हम तो। खुश है, औरों को भी तो बताइए कुछ पांच काम गिनाइए मोदी जी के। मोदी जी के पांच काम क्या, हजारियों काम है मोदी जी के, तो सारे पास हो रहे हैं। हजार काम है मोदी जी और क्या बताइए, एक दो तो होंगे। जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बस बढ़िया आदमी है मोदी जी, जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं देश के लिए। अच्छा बढ़िया कर रहे हैं, सिलेंडर के दाम देखिए कितने बढ़ा दिए। मोदी जी नहीं होते और कोई होते, जब भी बड़े होते वो तो इनकी जगह और कोई होता, जब भी इतने होते 1200। कांग्रेस के टाइम पे तो 400 का था ना सिलेंडर। 400 का था तो आप कितने टाइम पे लेते हो 400? कितने टाइम पे लेते हो? 14 से पहले। अब 23 चल रही है, अब तो 23 है ना, वो जमाने तो गए, अब के उसमें आओ जो अब जमाना चल रहा है, 2023 चल रहा है अब, और 30 में इससे भी ज्यादा हो जाएगा महंगा। और विकास हो रहा है या नहीं? विकास पूरा हो रहा है, देखो ये ठप पड़ गया। ये जो मोदी जी का नाम लेके है ना, हम तो भक्त हैं मोदी जी के। काम किया होगा तब भक्त बन, बन तो रहा है। फ्लावर बनना वहाँ पर, क्या नाम है, गांधीनगर पुस्ते पे। रोजी रोटी मिल रही है उससे? रोजी रोटी क्यों नहीं मिल रही? अब फ्लावर बन जाए, जाम खत्म हो जाएगा वहाँ का। आप बताइए क्यों परेशान है, आप सुनिएगा। परेशान ही है, बिल्कुल भी विकास नहीं है। दिल्ली तो ऐसी हो गई जैसे किसी ने बांध दिया हो, एक जगह इसको कोने में डाल दिया। काम धंधा बिल्कुल नहीं है किसी का भी। तो कोरोना की गलती थी, कोरोना कोरोना तो उन्होंने खुद अपना बनवा लिया। यही वही अब आया, सर्दी आई तो कोरोना आ गया। अभी हो गया था 50-40% बता रहे थे कि कोरोना के वो चल गया। हाँ भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना हो गया, कोरोना हो गया भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कुछ फायदा होया या नहीं? अभी तो हुआ नहीं, हो सकता हो जाए, हो सकता हो जाए। महंगाई तो बिल्कुल नहीं है, गलगल है, देखिए क्या महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। किन चीजों पे महंगाई है उन्हें?
इनको नहीं पता, इनको नहीं पता काम कम कर दिए बस, और कुछ कम नहीं हुआ। ये मोदी के नारे आ रहे हैं ना, ये मोदी भक्त हैं। जो सही करेगा वो सही है हमारे लिए, हमारे बड़े भाई आए जो सही है वो करेगा सही, जो गलत है गलत है वो। महंगाई से किस प्रकार से परेशान है बताइए, मोदी जी भक्त हैं भाई साहब। क्या नाम है आपका? जीतू भाई। जीतू जी कहाँ के रहने वाले? मैं तो यहीं गई हूँ, सीलमपुर के रहने वाले। हाँ गांव से भी हैं या सीलमपुर? यूपी से हैं। यूपी से हैं, अयोध्या से हैं। चलिए बताइए फिर तो कि महंगाई बढ़ी है या नहीं? लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है। महंगाई तो हर चीज की बढ़ी है। हाँ। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई तो क्या हो गया, अच्छे दिन भी तो आ गए। हाँ दिन तो आ रहे हैं अच्छे। के रात को भूखा और सुबह को नंगा, पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं, शाम को कुछ हाथ में नहीं आता। बिल्कुल शाम को कुछ हाथ में नहीं आता, सुबह 4 बजे रिक्शा चलाते हैं हम। शाम को हिसाब लगाते हैं तो 400-500 रुपए गाड़ी का किराया देना पड़ता है। दिल्ली की महिलाओं को करना चाहिए ना बस फ्री। कर तो रखी है बस फ्री। दिल्ली की महिलाओं को नहीं है ये बाहर के महिलाओं के नहीं है, ये फ्री बस है। ये जब इसने काम रुका हुआ है लोगों का, जनता का, ऑटो वालों का। क्या बताएं आपको, हम तो सोचते हैं कि दूध की थैली आएगी 30 रुपए की, आ रही है 32 रुपए की। सुबह को हिसाब से निकाल, चौतीस रुपए की। सुबह को हिसाब बनाते हैं, ऑटो चलाते हैं और ऐसी बस के अंदर फ्री वही होना चाहिए आईडी दिल्ली की, जब वो चलेगा फ्री बस में। ऐसा नहीं हर कहीं का आदमी चल देगा बस में। केजरीवाल तो कह रहे सब कुछ मुफ्त दे दिया है। लेडीज दिल्ली की महिलाएं होना चाहिए प्रूफ के ऊपर, आधार कार्ड की चीज पे भी। ये नहीं वादे कर रहे थे ना, वो वादे खत्म हो गए इनके। बिजली फ्री करी थी वो बिजली, अब तो चप्पल फाड़ के बिजली का बिल आ रही है। बिजली ऐसी फ्री करी भाई, मेरा बिल फ्री आ रहा है भाई साहब, एसी चलिए पूरे गर्मी। हाँ यार जो बात है, बिजली का बिल तो जब से केजरीवाल ने बोला बिल फ्री आया, उसके बाद भी गया जो और महंगाई। मेरा आया 3200 रुपए का बिल तो आएगा ही, 3200 रुपए का बिल आया मेरा, दिखा दूंगा 500 रुपए का बिल है। एसी गड़बड़ करता है मीटर, बिल बहुत आता है। अच्छे दिन कितने आ गए, बिल आ गया तो अच्छे दिन आ गए या नहीं? मैडम मोदी जी का कहना है अच्छे दिन, मोदी जी के कहने पे कोई अच्छे दिन नहीं है। मोदी जी का कहना है हर घर झंडा, आदमी ऊपर से भूखा नीचे से है नंगा, समझे आप? ऊपर से भूखा क्योंकि पेट ऊपर है, हर घर मोदी और घर घर मोदी। मोदी ने कहा यहाँ आओ, हर घर मोदी और घर घर मोदी आओ, जवाब दो आके। मैडम देखो जी, घर घर राहुल जी आएंगे आपके। राहुल जी आएंगे, केजरीवाल बाहर से जीता दिल्ली, बिल्कुल घर 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 मोदी। बताइए क्यों मोदी जी होंगे, आपने बताया मोदी होंगे, कुछ काम किया है मोदी? ये बहुत अच्छा काम कर रहे मोदी जी ने। एबीएम खत्म करवा दो, 2 घंटे में सरकार खत्म। आज एबीएम खत्म करवा दो, 2 घंटे में सरकार खत्म, गिनती होने से पहले। क्या बात कर रहे हैं, ईवीएम घोटाला चल रहा है। हाँ ईवीएम में जीपीआरएस इतना सवाल है, इतना सा जीपीआरएस है। सरकार बन जाए तो ये कहते जी ईवीएम, अभी केजरीवाल की सरकार बनी है तो उसमें, केजरीवाल की सरकार बनी है तो ईवीएम की मशीन गड़बड़ हो गई है। मोदी अभी मशीन गड़बड़ हो जाए, मोदी की सरकार बन जाए तो गड़बड़ हो जाए, केजरीवाल की बन गई तो वो अच्छा, ईवीएम भी अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। मुझे ना केजरीवाल चाहिए ना मोदी चाहिए, सरकार वो के लिए क्या किया है बताइए, जनता के लिए किया, ये किया है कि ऊपर से भूखा और नीचे से नंगा, हर घर झंडा हर घर तिरंगा, बस तिरंगा ही लगवाया तिरंगा। हाँ जब पिछली बार कोरोना आया था ना लॉकडाउन से पहले, ताली बजाओ दिए जलाओ, उससे क्या कोरोना भाग गया था? जब भी आदमी भूखा चल के पैदल चल के मर गया था। के अंदर यदि कोरोना होता ना तो लाशें रोड पे से उठानी पड़ती, लाशें रोड पे से उखाड़नी पड़ती। ये मोदी जी का शुक्र मनाओ जो आज बच गए, जो इतना हिंदुस्तान को कवरिंग कर लिया। अभी भी फेसबुक पे जवाब है इस चीज का, फिर भी संतान कार्ड भरे हुए हैं। हाँ टाइम पे जो है क्या कहते हैं, पहले जब वो टीके चले थे, जब टीके चले थे, आज भी तुम्हारे कंधे पे निशान होगा जन्म के टीके का, वो कांग्रेस के टाइम पे लगे थे, ठीक है ना? जो आज जो मोदी जी के टाइम पे लगे थे ना टीका, वो और अगर कांग्रेस होती यहाँ पे इस टाइम तो वो भी करती, पर इतना बेहाल नहीं करती जो पब्लिक मर रही थी। जानते हो क्या किया मोदी ने? 70 साल में जो बना था ना वो बेच रहा है, बस यही काम किया है।
लाल किला बिक चुका है, ताजमहल बिक चुका है, हिंदुस्तान की जो महान महान चीजें हैं ना वो सब बिक चुकी हैं। आप बताओ कि किया क्या? नाम क्या है आपका पहले बताओ। मोहम्मद रौनक। कहाँ के रहने वाले? बिहार। इकोनॉमी इतनी अच्छी कर दी हिंदुस्तान की और इतनी अच्छी कर दी हिंदुस्तान के बंदों को बाहर की कंट्री में पूछा नहीं जाया जाता। ये बाहर की कंट्री में हिंदुस्तान के आज हिंदुस्तान का बंदा बाहर जाके इकोनॉमी इकोनॉमी अच्छी हो गई कितनी हुई जरा पूछो इनसे। मैडम अच्छी कर दी आज हिंदुस्तान के अंदर। भैया अरे अंदर इतना कितनी है इनकम है बता दीजिए यार कितनी है। अबे भैया तू बता दे यार। ओ भाई कर दे सब कुछ कर दिया मोदी। बस वही है ना ये बताना अभी कितनी है इकोनॉमिक बहुत है इतनी एक आंकड़ा बता दे कुछ कर दे आंकड़ा बता दे। परेशानी बताइए ने परेशानी बताइए परेशानी मैं बताऊं परेशानी कांग्रेस ने नहीं करा वो जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करा वो मोदी जी ने कर दिया। क्या कर दिया मोदी जी ने क्या कर दिया ये कुछ काम बताइए 5 काम बता। अरे 60 का पेट्रोल 110 में बिकवाया। अबे 70 साल में पूछ लो क्या किया। 60 का पेट्रोल 110 में बिकवाया 148 से खरीद के कांग्रेस 68 का दिया। आज 34 रुपए किलो में 40 रुपए किलो में घर है। 200 का चना का दाल बिकवाया 200 का सरसों का तेल बिकवाया पेट्रोल का क्या नाम 110 डीजल 90 कौन सी चीज पर मैं महंगाई नहीं हुआ। आटा 32 दूध 64 आटा 32 दूध 64 दही पे भी टैक्स छाछ पे भी टैक्स हर चीज पे टैक्स। अब इनसे पूछने इतने परेशान है गरीब लोग इतने परेशान है ये लोग है क्या करा मोदी जी ने क्या करा कुछ भी नहीं विकास विकास किया कुछ नहीं विकास करा कुछ विकास नहीं करा। ऑटो वाले भाइयों के साथ सब हम सब लोग साथ हैं जनता बस ऑटो वाले का नुकसान हुआ और किसी का नुकसान करा उन्होंने पूरे देश का नुकसान करा है। एक चीज के लिए हम कहेंगे पूरे संघर्ष से कहेंगे पूरे देश का नुकसान किया है चीज के लिए हमने। मैंने आपका बताया ना कि देश का नुकसान मोदी जी ने देश का विकास क्या किया है क्यों ऊपर से आदमी है भूखा और नीचे से नंगा कोई अलग नहीं है। हिंदू मुस्लिम राजनीति बना दी है लोगों ने ये राजनीति बना दी है लोगों ने इन लोगों ने राजनीति बना दी है चीज के लिए हम लोग मोदी जी ने कर रखा है हर चीज के लिए। जब होता योगी जी को एहसास जब होता अमित शाह को जब एहसास होता जब इनके बच्चे होते वो दूध पी रहे होते। राम मंदिर के ऊपर मुद्दा डाल रखा है ये जेएनयू का जो हुआ था 1 तारीख को 2 अक्टूबर को जो दिल्ली सचिवालय इंडिया गेट के ऊपर हुआ था प्रदर्शन के लिए जैन धर्म के लिए होता खाली मुद्दा बना रखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सब भाई भाई सब एक साथ ही क्या हुआ इस चीज के लिए सारे एक साथ भाई हैं। ये लोग राजनीति बना रखा है इन लोगों ने इनका कोई कौन क्या रहा हिंदू मुस्लिम कौन करवा रहा है ये राजनीति करवाते हैं बीजेपी वाले कराते हैं मोदी जी करवा रहे हैं यही काम है उनका राजनीति। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है काम आप उत्तर प्रदेश में क्या काम हो रहा है आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्या योगी जी आ गए हैं राम राज आ गया है हो गया क्या कर दिया क्या करा उन्होंने ये बताओ ना खाली राम मंदिर कोई भी हर साल इलेक्शन होते हैं राम राज कब नहीं था ये बताओ कांग्रेस थी तब राम राज नहीं था अब है तब कौन सा हिंदू खतरे में था बताओ कौन सा हिंदू खतरे में था। इलेक्शन होते हैं जब मुद्दा बना लेते हैं कोई ना कोई चीज के लिए खड़े हो जाते हैं हर चीज के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी जो शपथ लेनी थी निगम पार्षद के लिए केजरीवाल को मुद्दा बना दिया। हम किसी पार्टी के विपक्ष में बात नहीं करेंगे हम जनता के साथ बात करेंगे हम सब जनता के साथ खड़े हैं और सुख दुख में खड़े रहेंगे हमेशा खड़े रहेंगे ना मोदी जी हमें पैसे दे रहे हम कमाएंगे अपनी मेहनत से कमाएंगे राजनीति करेंगे हमें नहीं करनी कोई राजनीति जनता करती है ना हिंदू मुस्लिम हम कब करवा वो मोदी जी कर रहे हैं लोग करते हैं ये करती है ये पार्टियां करती है जनता नहीं करती बीजेपी कर रही है और कोई ये कर रही है और कोई लोग नहीं करा लोग कितने परेशान है गरीब आदमी कितना परेशान है मजदूर आदमी से पूछो ना रात को निकलता है कोहरे में निकल रहा है क्या कर रहा है ये देखो ना रात को ठंड में निकल रहा है अपने परिवार के साथ निकल रहा है संघर्ष कर रहा है क्या कर रहा है इनसे पूछो ना इन लोगों से पूछो गरीब आदमियों से पूछो तो क्या अच्छे दिन ले आए हैं मोदी जी क्या कुछ नहीं आए कुछ नहीं लाए लोगों को बर्बाद कर दिया गरीबों को बर्बाद कर दिया और मैं गरीब भाइयों के सबके साथ मैं खड़ा रहूंगा। टाटा अंबानी के लिए लाए अच्छे दिन वो हमारे लिए नहीं लेके आए वो अंबानी इनके लिए अच्छे दिन आए हैं उनके लिए हमारे लिए नहीं आए अच्छे दिन
हम आप हमारे ऑटो में बैठ रहे हैं, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। आप अगर हमारे ऑटो में बैठ रहे हैं तो हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। हमें हमारी हमें अपनी मेहनत से मतलब है, हमें हमारी मजदूरी चाहिए, ठीक है ना। नेताओं को बीजेपी कह रही है क्या हो गया, महंगाई हो गई है, विकास देखिए ना, विकास वो अकेले हैं, विकास तो ही अकेले, विकास तो जब काम करेगा ना, पेट में कुछ हो, जो पेट में कौन सी विकास। वाह मोदी जी वाह के नारे लग रहे हैं। कहाँ पे हर देशों विकास दिखाओ। ओ भैया कैमरा दिखाओ, विकास ये विकास है, ये विकास है। मैडम हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसका भी नाम विकास है। आप ये विकास है मायापुरी ऐसा ही शंभू दयाल जी जो एक्सपायर हो गए, चाकू से घोल के उनकी हत्या कर दी गई। तो कोई ऐसा समर्थन है दिल्ली में जो सरकार चला रही है, क्या है? कुछ नहीं है। बहन बेटी कहते बचाओ, बहन बेटी बचाओ, कुछ नहीं कर रहे। लोगों ने अपनी वोट वोटिंग बना ली है, राजनीति बना ली है और एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग बाग ऐसे धरना प्रदर्शन पे आ गए हैं, एकदम परेशान इतने हो गए हैं, और ये गरीब भाई इतने लोग खड़े हैं। किसानों की आय दोगुनी कर दी है, 6000 खाते में। आज अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में ये सरकार झुकी है, अटल बिहारी के साथ में सरकार झुकी है। राकेश टिकैत जी जो किसान आंदोलन करा था अटल बिहारी के टाइम के बाद, इस बार सरकार झुकी है राकेश टिकैत के सामने। 5000 किसी को नहीं मिला, ऑटो वालों को किसी को मिला सिर्फ 1000। संघर्ष करना पड़ेगा और करते रहेंगे। एक गरीब आदमी इतना परेशान है, लोग मजदूर परेशान है, उनके घरों दिलों इस टाइम बहुत बुरा हाल है। रोटी के पैसे नहीं है गरीब आदमी के पास, वो कोरोना लेके आ रहे हैं, सब कुछ लेके आ रहे हैं मोदी जी। ये नहीं लग रहा गरीब का क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम लगाते हैं लोग अपने वोट के नहीं है, सीट जीतने के नहीं है, और पब्लिक क्या करेगी? गरीब आदमी बताओ जनता क्या करेगी? उससे पहले कोरोना नहीं आता, जब इलेक्शन आते हैं जब ही कोरोना आता है। रैली आई तो कोरोना आ गया जी, कोरोना आ गया। हमें तो कहीं नहीं मिला, पूरे लॉकडाउन में जमुना पार के अंदर, सीमापुरी डिपो और गोकुलपुरी गीता कॉलोनी, हर जगह अंडा बेचा अंडा। मुझे कहीं एम्बुलेंस आती नहीं मिली और कहीं जाती नहीं मिली, कहीं भी। 70 साल में कांग्रेस ने तो देश बर्बाद कर दिया है। इसकी देनी है जो रोड पे गाड़ियां चलनी है, ये अगर मोदी जी की देनी होती ना तो ये लड़ाई झगड़े होते। 70 साल पहले ये जो अभी ये 2013 में ये नंगे घूम रहे थे, खड़ा होता इनके पैर में, बाल बड़े बड़े थे। 2014 के बाद देखो कितना स्मार्ट हो गया बंदा, देख लो ये 2014 के बाद ये कपड़े पहने हैं, ये हम जो पहने हैं ना, ये हम आदि मानव थे, जंगल में थे, जंगल में। ये देखो ये मेरी दाढ़ी थी ना, इतनी बड़ी दाढ़ी थी, इतने इतने बड़े नाखून थे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।